हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग कंप्लीट पेपर को। तो फ्रेंड्स, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया था, इससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हेल्प भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट मैं आप सभी को आंसर शेयर करूंगी, आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व जरूर कर लें ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिले। तो देखिए, सबसे पहले आपसे हिंदी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। देखिए, सर्व के लिए भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्व रूप। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, नर धन इंद्र में संधि होगी। देखिए, नर धन इंद्र में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें है स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्राएं पढ़ रही थी इस वाक्य में काल है। देखिए, आपसे काल पूछा गया, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, छात्राएं पढ़ रही थी, तो ये कैसा काल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, किस पद में तत्पुरुष समास है। देखिए, तत्पुरुष समास पूछा गया है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल धारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, अकाल पीड़ित समस्त पद का विग्रह है। देखिए, आप जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर ये क्या बनेगा, अकाल से पीड़ित, ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, निम्न शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। देखिए, द्वित्व व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली, ठीक है, जिसमें ऐसे डबल वर्ण इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली आपने लिखा, जैसे आपने लिख दिया मल्लिका, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह किस प्रकार का वाक्य है, सीता गई सीता आई। देखिए, सीता गई सीता आई किस टाइप का वाक्य है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है संयोजक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हई और बाजी किसके पर्यायवाची है। देखिए, हई और बाजी पूछा जा रहा है, तो ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन तद्धित प्रत्यय है। देखिए, आपसे तद्धित प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार। तो देखिए, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपसे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड पूछे गए हैं। इसके बाद अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एमेच्योर। देखिए, एमेच्योर का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गिव वन वर्ड फॉर अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। देखिए, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज के लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री पूछ रहा है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल का, ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिम्स ऑफ द करेजियस। देखिए, करेजियस के लिए आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फिल विद द करेक्ट वर्ड विच वन ऑफ डैश ड्रेस डू यू वॉन्ट। देखिए, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीज, ठीक है, विच वन ऑफ दीज ड्रेसेस डू यू वॉन्ट। क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द टेलर वॉज मेकिंग अवर ड्रेसेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा, देखिए, आवर ड्रेसेस वेयर बींग मेड बाय द टेलर, ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट वर्ड ही यूज टू डैश द पॉइंट दैट द विक्टोरी इन एनी फील्ड नीड्स डैश करेज। तो देखिए, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें आएगा आपका स्ट्रेस, सेकंड में आएगा देखिए एग्जाम्पलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड ऑल्सो आई। तो देखिए, जो ऑल्सो आई है यहाँ पे क्या यूज होगा, मेरी माँ चिंतित है मेरे पिता के स्वास्थ्य के लिए और मैं भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सो एम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द करेक्ट वर्ड आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 इयर्स। तो यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या फिल करेंगे, नोन, ठीक है, ऑप्शन डी, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आई हैव नोन लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल विद द करेक्ट वर्ब। देखिए, आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है, डैश मैन एंड वीमेन डैश हेयर फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, फर्स्ट वाले में आप एवरी फिल करेंगे, सेकंड में वर्क्स। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, राजीव को कौन से विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, गणित में 500 में से 325, अंग्रेजी में 400 में से 240, भूगोल में 150 में से 84 और विज्ञान में 200 में से 132। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, परसेंटेज निकालना है आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और सबसे ज़्यादा किस में होंगे आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, साइंस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज कितनी दर पर
छः वर्ष में रुपये 350 से बढ़कर 455 हो जाएंगे। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 5%। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए एक मैदान की लंबाई 90 मीटर दी गई है, चौड़ाई है आपका 70 मीटर, एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसके लिए राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान की लंबाई, देखिए लेंथ कितनी है 75 मीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है 34 मीटर 80 सेंटीमीटर, रुपये 1.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल करने पर कितना खर्च होगा पूछ रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करने पर राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी 3925.44 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यदि वे एक दिशा में चलते हैं तो 3.5 घंटे समाप्त होने पर वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो इसके लिए राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी 1.75 किलोमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक टोकरे में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए हैं, टोकरे में से सही अंडों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज से रिलेटेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसका जो राइट आंसर आपको कैलकुलेशन पर मिलेगा वो है ऑप्शन सी 76%। ठीक है, 400 अंडे हैं, पहले आप 8 दर्जन को इससे माइनस कर लीजिए, फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर मिल जाएगा 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का एक कोण बाकी के दो कोणों के जोड़ के बराबर है, कोण का माप कितना होगा। देखिए कैलकुलेशन करने पर इसके लिए राइट आंसर आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, एक व्यक्ति ने 6 के 5 सेब खरीदे और 12 के 8 बेचे, उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ। देखिए आपको प्रॉफिट परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे दिया गया है टोटल का सम होता है 360, तो सिंपल सा है, आप इन सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, 160 कर लेंगे, 50 कर लेंगे, 70 कर लेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए मिल जाएगा 7 + 5 = 18, ये हो जाएगा यहाँ पे 280। ठीक है, 280 है, तो आपको क्या करना है, इसे 360 से माइनस कर देना है, तो ये देखिए मिल जाएगा 0, 60 - 8, 8। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू मतलब कितनी है, 80 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोण x की माप बताइए, देखिए यहाँ पर x तो दिया नहीं गया है, ठीक है, इस डायग्राम में कहीं भी आपको x की मेजरमेंट नहीं दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है एंगल AML, देखिए आपको निकालना है ये वाला पोर्शन M, ठीक है, ये कितना हुआ बताना है, तो इसको कैलकुलेट करने पर राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, आपसे पूछा जा रहा है जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कहाँ कंट्रोल होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि स्लाइवा में कौन सा एंजाइम इनमें से पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 120/80। क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, देखिए जो हमारा ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, यानी कि किसके कारण वो कंट्रोल में रहता है पूछा जा रहा है, तो इंसुलिन के कारण रहता है। ठीक है, उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो आपसे पूछा गया, देखिए अगर जो प्लांट्स होते हैं उनमें अगर आवश्यकता से ज़्यादा, ठीक है, उनको जितनी क्या है रिक्वायरमेंट है उससे अधिक पानी अगर मिल जाता है तो उसको कौन सी प्रोसेस द्वारा बाहर निकाला जाता है पूछ रहा है, ऑप्शन बी इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा ट्रांसपिरेशन द्वारा, ये क्या करते हैं पानी को बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, देखिए मिल्क का आपसे पूछ रहा है, कर्ड के रूप में जमने का क्या कारण होता है, तो ये जमता है लैक्टोबैसिलस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में कौन सा रसायन होता है, देखिए जो टोबैको होता है उसके लीव्स में कौन सा केमिकल पाया जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निकोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, देखिए जो फिश का लीवर होता है, ठीक है, उससे क्या बनता है, तेल बनता है, तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज होती है, विटामिन ए ई सी डी, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है विटामिन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? देखिए रिचर नहीं, ये है रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा है, दो पैरेलल जो मिरर हैं उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसमें बनते हैं अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को पहली बार किसने नापा था? देखिए आपसे पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को फर्स्ट टाइम किसने मेजर किया, तो ये किया था रोमर ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में कौन सा परिवर्तन करने पर घर्षण कम हो जाता है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा परिवर्तन करने पर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा पूछ रहे हैं, तो ये होगा रपटने से लुढ़कना, ठीक है। यानी कि स्लाइडिंग टू रोलिंग पर क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पांव जिसे क्या बोला जाता है, फाइलेरिया, किसके द्वारा होता है? देखिए फाइलेरिया का रीजन बताना है, तो ये होता है मच्छर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य डिग्री सेंटीग्रेड कितनी डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है? देखिए आपसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जा रहा है, कितने डिग्री फारेनहाइट के इक्वल होता है, तो ये 32 फारेनहाइट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कूच ने किस पर काम किया? तो इन्होंने किया था तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, अधिकतर मिट्टी की अम्लता कैसे ठीक की जाती है? देखिए जो सॉइल एसिडिटी होती है जनरली उसे कैसे करेक्ट किया जाता है पूछ रहा है, तो ये किया जाता है चूना डालकर, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन सा मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग है? देखिए जो कैंडल होती है, ठीक है, उसमें जो लौ जलती है उसमें सबसे गर्म भाग कौन सा होगा, नीला, पीला, काला, मोम वाला हिस्सा, तो सबसे ज्यादा गर्म होगा नीला वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मास व एनर्जी का संबंध किसने विकसित किया था? देखिए ये किया था आइंस्टीन ने, होगा E=mc² जो आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें कौन सी गैर धातु हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉन मेटल पूछा गया, ठीक है, मेटल नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा गया है नॉन मेटल, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 50 है, अम्ल वर्षा किसके ऑक्साइड द्वारा होती है? देखिए अम्ल वर्षा किसके ऑक्साइड द्वारा होती है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 51 है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है? देखिए क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना जले कार्बन के टुकड़े से क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है, अनबर्ट कार्बन का अगर पार्टिकल है तो उससे क्या होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कुएं में नीचे जाने पर आपका वजन थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीप होल। सीप होल से क्या मतलब होता है, ऑयस्टर सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? देखिए हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा है, निम्न में से किसमें होगी, ब्लू लाइट में होगी, ग्रीन लाइट में होगी, रेड लाइट में होगी या फिर येलो लाइट में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार जीवित प्राणी सिर्फ एक दूसरे जीवित प्राणी से ही उत्पन्न हो सकते हैं? तो ये होते हैं जीव जनन सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 57 है, माध्यम के तापमान में बढ़त के साथ प्रकाश की गति, आपसे क्या पूछा गया है, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपवर्तित रहती है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ आकाश के नीला दिखने का क्या कारण है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, किस कारण से हमें ब्लू दिखाई देता है आकाश पूछ रहा है, तो ये दिखाई देता है प्रकाश के फैलाव के कारण, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क यानी कि रेशम का उत्पादन किसके द्वारा होता है? देखिए रेशम का उत्पादन होता है रेशम के कीड़े यानी कि लार्वा द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, गुर्दे की सबसे कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया है, जो किडनी है उसके स्मॉलेस्ट फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है नेफ्रॉन, ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 से देखिए, आपके जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा स्थापित उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए निम्न में कौन सा राज्य ई सेवा वितरण आकलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है यानी कि सबसे टॉप में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला।
क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश के साथ बस सेवा को फिर से शुरू किया गया है। देखिए कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने बस सेवा को फिर से प्रारंभ किया है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है। देखिए जीवन का अधिकार पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, देखिए भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित होता है। देखिए जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के रिगार्डिंग भी आपको टॉपिक का लिंक हम ऊपर आई बटन पे दे देंगे, आप एक बार उसको जरूर पढ़ लें एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो अब तक तो काफी सारे स्टूडेंट को ये याद हो चुका होगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य है रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 68 है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है। देखिए बीमर का संबंध है क्रिकेट के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉमन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कर लें, तो इसका राइट आंसर है पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है, देखिए आपसे लार्जेस्ट प्लेनेट पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। देखिए महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लेने वाले थे भैरव दत्त जोशी। क्वेश्चन नंबर 72 है, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड, तो ये स्थित है टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 73 है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। देखिए झांसी की रानी कहा जाता है गढ़वाल के इतिहास में तीलू रौतेली को। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रही हूँ ये बहुत बार रिपीटेड है, अगर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस रिपीट मिले होंगे, और नहीं दिया है तो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें एग्जाम देने से पहले। क्वेश्चन नंबर 74 है, डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है। तो देखिए डोला पालकी आंदोलन संबंधित है शिल्पकारों से। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। देखिए कुली बेगार आंदोलन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 76 है, देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इसे पहले बोला जाता था हेली नेशनल पार्क, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था, तो इसे पहले जाना जाता था हेली नेशनल पार्क के नाम से। क्वेश्चन नंबर 77 है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए राइस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 78 है, कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, कर्णवाश्रम कौन सी नदी के तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मालिनी नदी। अगला क्वेश्चन है, महासु देवता की पूजा होती है। देखिए महासु देवता की पूजा पूछा जा रहा है, तो ये होती है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है। देखिए गढ़वाल पेंटिंग रचना है मुकुंदी लाल की। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। देखिए तिलहरी कहाँ पहना जाता है पूछ रहा है, तो ये पहना जाता है गले में। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जन घनत्व वाला जिला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH7। क्वेश्चन नंबर 84 है, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान स्थित है। देखिए कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। देखिए राज्य का पहला स्वतंत्रता सेनानी पूछ रहा है, तो ये माना जाता है कालू मेहरा को। क्वेश्चन नंबर 86 है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। देखिए अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, तो ये स्थित है चमोली में। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। देखिए अजलान शाह कप पूछा गया है, तो ये संबंधित है हॉकी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पुत्र हिमपुत्र का नाम से किसको जाना जाता है? देखिए हिमपुत्र के नाम से आपसे पूछा जा रहा है किसको जाना जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा को। क्वेश्चन नंबर 91 से देखिए, आपसे फिर से एक बार मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विजय और विनय ने क्रमशः 2500 व 3000 की एक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष के लिए उधार लिए थे। यदि विनय ने विजय से रुपए 175 अधिक ब्याज दिया तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर ईयर, ठीक है। कैलकुलेशन करने पर आपको इसके लिए राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन डी 14%। क्वेश्चन नंबर 92 है, 80 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक ट्रेन पहले 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तथा बची हुई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा का औसतन गति कितनी होगी? देखिए पूरी जो यात्रा हुई उसका आपको एवरेज क्या बताना है, स्पीड बताना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने पर आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक चकोर खेत में खेती करने का खर्च 360 प्रति हेक्टेयर की दर से रुपए 3240 है। उसके चारों ओर बाड़ा लगाने का खर्च रुपए 15 प्रति मीटर की दर से कितना होगा? तो देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि किसी वस्तु का मूल्य एक वर्ष में 200 से 250 बढ़ जाता है तो बढ़त का प्रतिशत बताइए। देखिए आपको क्या बताना है, इंक्रीज्ड परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25%। क्वेश्चन नंबर 95 है, ए व बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा? देखिए बी का टाइम आपको बताना है कितने दिन में वो कंप्लीट करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 लोगों के लिए 45 दिनों का राशन उपलब्ध है, 10 दिनों के पश्चात 25 लोग छोड़कर चले जाते हैं, वर्तमान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? तो देखिए इसके लिए राइट आंसर कैलकुलेशन के बाद मिलेगा ऑप्शन बी 42 डेज। क्वेश्चन नंबर 97 है, आटे के एक थैले का वजन 12.5 kg है, इसमें से 2/5 थैले के छेद से निकल जाता है, बताइए कि कितना आटा निकला? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है इसका आंसर, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 99 है, देखिए लोगों की सबसे अधिक संख्या क्या होगी जिनमें 128 पेन तथा 324 पेंसिल बराबर बांटी जा सके? तो इसको कैलकुलेट करने पर राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक लड़की का वजन 32 kg था परंतु गलती से उसने क्या कर दिया, 36 kg देखा, तो आपको बताना है कि इसका एरर परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो आप इससे क्या करेंगे, 32 को माइनस कर लेंगे, 4 kg आएगा, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसके लिए राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन डी 12.5%। तो फ्रेंड्स ये तो थे जेएनएम से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2022 में आपसे पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।